क्लासेस बंक करके नई प्लेसेस डिस्कवर करना यूथ की हॉबी होती है। जी हाँ, और इसमें वो कोई कसर भी नहीं छोड़ते। बंक करना वैसे तो पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, मगर यूथ किसकी सुनते हैं? जो दिल में आता है वो वही करते हैं। मगर क्या आपने सोचा है कि बंक करते हुए आपको एक ऐसा आइडिया आ जाए जो सबकी जुबां पर छा जाए? नहीं ना, आज चटखारे में हम परोस रहे हैं रायपुर अमानाका यूनिवर्सिटी मेन गेट के पास मौजूद बंक क्लास का स्वाद, जहां इसका नाम देखकर ही चटोरे चटखारा लेने पहुंच जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित शर्मा विद योर फेवरेट शो चटखारा, और आज मैं मौजूद हूं बंक क्लासेस में, जहां पर मैं ऑफिस बंक करके आया हूं। बंक करने का वैसे भी अपना एक अलग मज़ा होता है, तो आज के चटखारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बंक क्लास की क्या है खासियत और यहाँ पर कौन सी डिशेस लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। और जैसे कि आप कंसेप्ट देख सकते हैं बंक क्लास का, तो पूरी बंकिंग थीम पर ये रखा गया है। लेकिन आज चटखारा एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि बंक करना वैसे तो अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन कभी कभी कर भी लेना चाहिए, जैसे आज मैंने ऑफिस बंक किया है। आंध्र प्रदेश के सईदा बाबू यहाँ खास शेजवान राइस खाने आते हैं। आई एम फ्रॉम आंध्र, स्टडिंग इन NIT। आई कम हियर फॉर ओनली शेजवान राइस, इट लुक्स स्पाइसी हियर। रायपुर लोग दे डोंट ईट मच स्पाइसी हियर, सो शेजवान राइस ओनली हियर आई लाइक बिकॉज इट्स गुड। श्रीनिवास जी, क्या आपको भी यहाँ का शेजवान राइस पसंद है? एंड शेजवान राइस इज ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी स्पाइसी। वी जनरली प्रिफर spicy food only, so we frequently come to bunk class. गोपी नंदा को यहाँ पनीर बर्गर का चटखारा रास आता है। Yes, it and पनीर बर्गर is good, so better, like it. I may come again for that. इन्हें तो पनीर बर्गर पसंद है, और मानसी आपको? I only come here for पनीर बर्गर. I just take पनीर बर्गर. It's the best. ओहो, तो आपको भी बंक क्लास का पनीर बर्गर पसंद है। वेल, इसे ट्राई करना ही पड़ेगा, मगर उससे पहले नितिन से जानते हैं कि यहाँ उनका क्या फेवरेट मिलता है। क्लास अक्सर आता हूँ अपने फ्रेंड लोग के साथ चिल मारने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे मिलता है मेरे फेवरेट जितने भी स्नैक्स है, मेरा खाने का जो भी मन करता है। और मैं यहाँ पे आके अक्सर बंक स्पेशल राइस खाता हूँ, जो कि मेरे हिसाब से इवन सब राइस में अच्छा बनता है और बहुत टेस्टी बनता है हमारे हिसाब से, और हमको जो चाहिए रहता है वो मिलता है एक्चुअल में खाने के लिए। तो सबसे बेटर है हमारे लिए बंक स्पेशल राइस और बंक क्लास का है। अब बारी थी मेरी। अरे, इतनी मेहनत करने के बाद भूख लगना लाजमी है भाई, और जब भूख लगे तो चटखारा ले ही लेना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बंक क्लास के संचालक हितेंद्र कोडवानी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू इन क्लब ऑफ 28। थैंक यू। तो हितेंद्र जी, सबसे पहले हम राइस ट्राई करें, मैक्सिकन राइस। चलिए, तो देखने से तो काफ़ी लजीज लग रहा है, देखते हैं इसका चटखारा कैसा होता है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है बनाने का? प्रोसेस में जनरली वेजिटेबल्स रखते हैं, और इसको स्पेशल करने के लिए इसमें अपन ने पनीर, बेबी कॉर्न और कॉर्न्स के आइटम डालते हैं, माइक्रोनी आइटम डालते हैं, जो कि राइस में एक पास्ता का फीलिंग देता है, जो हट के रहता है और थोड़ा स्पाइसी रहता है ये। इसलिए इसको अलग से स्पेशली जनरली लोग इसको प्रेफर, एक बार जो स्पाइसी खाने वाले हैं जनरली इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैक्सिकन राइस तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर पूरा चट करने वाला हूँ, लेकिन अभी बारी है चीज़ बर्गर की। बहुत चीज़ी बर्गर है। चीज़ बर्गर के बारे में बताएं, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स का आप यूज़ करते हैं? जैसे मुझे लग रहा है कि इसके बीच में चीज़ स्लाइसेस। जी, और उसके साथ में स्लाइस है, पैटी है, पोटैटो पैटी, और ओनियन और टमाटो रहता है, जो कि चीज़ में हल्का सा टमाटो, हल्का सा जो अलग फीलिंग देता है वो मेन रहता है चीज़ बर्गर की स्टफिंग में। ओके, चलिए चीज़ बर्गर के बाद इसे भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर आराम देता हूँ। सैंडविच ट्राई करते हैं। ये वेज सैंडविच है, इसमें वेजिटेबल स्टफिंग और जो है इसमें क्रीम डालते हैं अमूल के, तो इसमें नॉर्मली क्रीमी फॉर्म आ जाइए और एक खट के डिश आता है, लाइट में स्वीट है। तेन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो कंसेप्ट है बंक क्लास का, तो ये स्पेशली क्या बंक करने वाले स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है? जनरली हमें खुद बंक करके ही मैंने ये सब काम किया है। अच्छा। कॉलेज टाइम में मैंने खुद बंक किया था। अच्छा। तो अब कॉन्सेप्ट वही आ गया था कि बंक के ही नाम से कुछ बनाना है, तो खाने पीने के लिए आइटम नहीं मिलते थे अपने को। कॉलेज मॉर्निंग में रहता था हम लोगों का 7 बजे,
7 बजे के बाद कुछ खाने पीने का आइटम नहीं मिलता था, हम लोग सुबह जाते थे कहीं कुछ भी खाते थे, इसलिए हम लोगों ने खाने पीने के ही रिलेटेड कुछ सोचा था मैंने, तो उसने नाम बंक क्लास पढ़ गया। क्लासेस बंक करना इनके लिए तो बहुत ही कारगर साबित हुआ, क्योंकि क्लासेस बंक करते करते इन्हें एक बहुत ही नया आइडिया आया और उसे इनोवेट करके इन्होंने रूप दिया बंक क्लासेस को। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी क्लासेस बंक ना करें, अगर बंक क्लासेस विजिट करना भी है तो क्लासेस के बाद करें। तो आज के चटखारे में बस इतना ही, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए चटखारे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए इस चटोरे को। कैमरामैन छन्नू सिन्हा के साथ अमित शर्मा, क्लिपर 28।